हेलो एवरीवन, आज हम लोग सिनकिट्रियम एंडोबायोटिकम की लाइफ साइकिल का अध्ययन करेंगे। सिनकिट्रियम एंडोबायोटिकम एक फंगस है जो कि वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या ब्लैक स्कैब डिजीज जो आलू की फसल होती है उसमें ये ब्लैक स्कैब डिजीज प्रोड्यूस करता है, और जिसके कारण बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है। तो आइए हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि ये फंगस कैसा होता है, किस तरह से ये इन्फेक्शन काज करता है, किस तरह से इसका रोकथाम किया जा सकता है। इन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग करेंगे। सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशन को जानते हैं, इसकी सिस्टमेटिक पोजिशन के बारे में जानते हैं। तो ये किंगडम फंजाई को बिलोंग करता है, डिवीजन काइटेरियो माइकोटिका है, क्लास काइटिडियोमाइसिटीज, ऑर्डर्स सिनकाइट्रियल्स, फैमिली सिनकेट्रियासी, जीनस सिनकाइट्रियम, और स्पीसीज जो कि ये वॉर्ट डिजीज काज करती है, दैट इज कॉल्ड एज सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। इस डायग्राम में हम लोग ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो भी जैसा दैट कॉलीफ्लावर लाइक स्ट्रक्चर या गोभी जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज वार्ट। वार्ट इसको बोलते हैं, और ये फंगस के इन्फेक्शन के कारण बनता है। फंगस के इन्फेक्शन के बाद इसमें हाइपर ट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया, ये दो प्रोसेस होते हैं सेल डिवीजन और सेल एलोंगेशन की, जिसके कारण ये वार्ट बनता है। और इस तरह से ये इस पोटैटो की क्वालिटी को खराब करता है, प्लांट सही से ग्रो नहीं करेगा और जो पोटैटो की क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। इस तरह से ये पोटैटो प्लांट को नुकसान पहुंचाता है। अगर हम लोग पर्टिकुलर इस फंजाई के सोमेटिक स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसकी जो थैलस बॉडी होती है दैट इज यूनिसेलर, सिंगल सेल्ड होता है, एक ही सेल है, वही कंप्लीट थैलस को बनाता है। थैलस का मतलब होता है दैट पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन टू लीफ रूट एंड शूट, जिसमें लीफ रूट शूट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है उसको हम लोग थैलस बोलते हैं। द थैलस इज एंडोबायोटिक एंड होलोकार्पिक। एंडोबायोटिक का मतलब होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो फंगस है वो सेल के अंदर जो है इन्फेक्शन करता है, मतलब कि सेल के अंदर चला जाता है। होलोकार्पिक का मतलब होता है कि कंप्लीट जो थैलस है वो सेक्सुअल ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो फंगस है वो एंडोबायोटिक है, मतलब कि सेल के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है। होलोकार्पिक है मतलब कि पूरी की पूरी सेल जो है वो सेक्सुअल ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाती है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाती है। एट रिप्रोडक्शन द थैलस बॉडी में बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू स्पोरेंजिया। तो रिप्रोडक्शन के समय पे, जैसा आपको बताया पहले, कि पूरी की पूरी इसकी जो थैलस बॉडी है वो स्पोरेंजिया में कन्वर्ट हो जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो आइसोगैमेट्स के फ्यूजन के कारण होता है। गैमेट्स जो होते हैं वो तीन मेन प्रकार के होते हैं, आइसोगैमेट्स, एन आइसोगैमेट्स एंड ओ गैमेट्स। तो आइसोगैमेट्स मतलब कि सभी गैमेट्स एक ही तरह के होते हैं, उसमें मेल एंड फीमेल का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो दो आइसोगैमेट के फ्यूजन के कारण रेस्टिंग स्पोरेंजिया बनता है या जाइगोट बनता है, और फिर उसमें जो डिवीजन होकर के जो स्पोर्स बनते हैं वो फर्दर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, तो हम लोग अभी बाद में अध्ययन करेंगे। तो जो ब्लैक वार्ट डिजीज होती है उसके सिम्टम्स कैसे होते हैं उसको हम लोग थोड़ा जानते हैं। यूजुअली द डिजीज अफेक्ट द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द रूट। तो मोस्टली अंडरग्राउंड में क्या होता है, रूट्स होती हैं और जो ट्यूबर फॉर्म होता है जिसको पोटैटो बोलते हैं, ट्यूबर को इन्फेक्ट करता है। डिजीज पोटैटो ट्यूबर्स अपीयर्स एज ब्राउन और ब्लैक कॉलीफ्लावर लाइक आउटग्रोथ, जैसा इस डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये ब्लैक हो जाता है।
या ब्राउन कॉली फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिस पोटैटो पे इन्फेक्शन होगा उसमें ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसको वार्ट बोलते हैं, या कॉली फ्लावर जो जैसे फूल गोभी होती है उस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। ये क्यों बनता है? द फंगस काजेज हाइपरट्रॉफी एज वेल एज हाइपरप्लेसिया इन द इन्फेक्टेड पोटेटो ट्यूबर, कन्वर्टिंग देम इनटू यूजलेस मासेज ऑफ वार्टी टिश्यू। तो हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है सेल एलोंगेशन, सेल एलोंगेट कर जाती है, बड़ी बड़ी सेल्स हो जाती हैं। और जो हाइपरप्लेसिया का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल डिवीजन इंक्रीज कर जाता है, ज्यादा सेल डिवीजन होता है, तो सेल की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है और सेल एलोंगेट कर जाती है। ये दो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस वॉर्टी लाइक स्ट्रक्चर या जो कॉलीफ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है उसके फॉर्मेशन के लिए। तो मोस्ट ऑफ द होस्ट सेल कंटेन रेस्टिंग स्पोरेंजिया। तो जो होस्ट सेल है उसमें रेस्टिंग स्पोरेंजिया जाइगोट को बोलते हैं, तो उसमें रेस्टिंग स्पोरेंजिया फॉर्म होता है और वो जब सुटेबल कंडीशन मिलती है तो फिर से जर्मिनेट कर जाता है। किसी किसी केस में गॉल्स एंड ट्यूमर्स बनते हैं एरियल पार्ट पे, स्टेम या लीफ पे गॉल्स या ट्यूमर्स बनते हैं। ये डिजीज का सिम्टम है, इस तरह के सिम्टम ये तो सिंकेट्रियम एंडोबायोटिकम है वो काज करता है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, कहाँ पे पाया जाता है, किन क्षेत्रों में ज्यादा होता है ये बीमारी, किन क्षेत्रों में ज्यादा प्रिवेलेंटली पाई जाती है। इट इज प्रिवेलेंट इन एरियाज विद कूल मॉइस्ट क्लाइमेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठंडा होना चाहिए, मॉइस्चर सफिशियंट होना चाहिए। तो मेनली इंडिया में ऐसी कंडीशन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, जो वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, और एडजॉइनिंग जो नेपाल के एरिया है उन क्षेत्रों में इस तरह की कंडीशन ज़्यादा पाई जाती है कि टेम्परेचर लो रहता है, मॉइस्चर हाई होता है, जो कि इस फंगस के सर्वाइवल और इसके फ्लरिश करने के लिए नेसेसरी होता है। तो ऐसे एरियाज में ये पाया जाती है, ये डिजीज ज़्यादा प्रिवलेंट होती है। जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पे ये डिजीज उतना इफेक्टिव नहीं होती या नहीं होती, ना के बराबर होती। जैसा कि पहले भी बताया कि जो थैलस होता है, थैलस इज सिंगल सेल, और थैलस का जो प्रोटोप्लास्ट है सबसे पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड करता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म आ जाते हैं, और इस तरह से उसका फ्रेगमेंटेशन होता है या कह सकते हैं कि स्पोरेंजियम फॉर्मेशन होता है और एक कंप्लीट सोरस बन के तैयार होता है, और हर न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाता है एक जू स्पोर या गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। जू स्पोर्स असेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, गैमेट्स वो सेक्सुअल स्पोर्स हैं। जू स्पोर की तरह ही गैमेट्स भी होते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि जू स्पोर है कि गैमेट है, बट एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से ये जू स्पोर या गैमेट्स बनते हैं। जब फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन होती है, फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन का मतलब जब मॉइस्चर ज्यादा होगा, लो टेम्परेचर होगा, उस समय जू स्पोर्स बनते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जब थोड़ा सा मॉइस्चर कम होता है, टेम्परेचर हाई होने के चांस होते हैं, तो उस समय ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनते हैं या गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स भी जू स्पोर की तरह होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ सफिशियंट वाटर एट अ क्रिटिकल पॉइंट इन देयर डेवलपमेंट। इन नेचर मोर जू स्पोर्स आर फॉर्म्ड एट द बिगिनिंग देन द एंड ऑफ सीजन, एंड द रिवर्स इज ट्रू फॉर गैमेट्स। जैसा आपको पहले बताया कि जब एनवायरमेंट फेवरेबल होगा तब जू स्पोर्स बनेंगे, और अनफेवरेबल कंडीशन जैसे जैसे आती जाएगी वैसे गैमेट बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। जू स्पोर्स वाटर में रिलीज होते हैं स्विम करते हुए, फिर से वो होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं, इस तरह से डिजीज जो है स्प्रेड करती है। तो अगर लो टेम्परेचर और हाई मॉइस्चर रहेगा
तो डिजीज बहुत तेजी से फैलती है और पूरे के पूरे क्रॉप को नष्ट करने की क्षमता रखती है। अगर हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करें कि सिंकेट्रियम एंडोबायोटिकम में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो रिप्रोडक्शन को हम लोग दो फेजेस में स्टडी कर सकते हैं, असेक्सुअल फेज और सेक्सुअल फेज। असेक्सुअल फेज ऑफ दिस एंडोबायोटिक फंगस स्टार्ट विद इन्फेक्शन ऑफ होस्ट बाय द पैरासाइट। जब पैरासाइट होस्ट को इन्फेक्ट करता है, वहां से शुरुआत होती है। इन्फेक्शन कैसे होता है? बेसिकली जो रेस्टिंग स्पोरेंजिया होता है, रेस्टिंग स्पोरेंजिया जो फॉर्म होता है, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, उसके रिजल्ट, उसका जो परिणाम बनता है, उसको जाइगोट बोलते हैं। और वो जाइगोट रेस्टिंग स्पोरेंजिया की तरह काम करता है। वो सॉयल में या जो वार्टी टिश्यू होता है या कॉलीफ्लावर लाइक जो टिश्यू बनते हैं, उनमें वो सर्वाइव करता है। और जब फेवरेबल कंडीशन या नेक्स्ट क्रॉप की सोइंग जब होती है, जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, तो फिर से जर्मिनेट करता है। और जर्मिनेशन के प्रोसेस में वो जू स्पोर्स बनाता है। वो जू स्पोर्स रिलीज होते हैं, रिलीज होने के बाद वो सेल को इन्फेक्ट करते हैं। जैसे इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि जू स्पोर है, सेल पे अटैच हुआ, अटैच होने के बाद ये इन्फेक्शन पैक बना, इसके थ्रू इसका पूरा का पूरा कंटेंट सेल में एंटर कर जाता है। और सेल में एंटर करने के बाद फिर वो बाकी जो स्पोरेंजियम बनाने के प्रोसेस होता है उसको करता है। सेल में जब नीचे पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन में पहुंचने के बाद ये जो है प्रोसोरस कहलाता है। प्रोसोरस क्या होता है? प्रोसोरस दैट इज फॉर्म्ड बाय द जू स्पोर, जू स्पोर व्हिच एंटर्स इनसाइड द सेल। जो जू स्पोर सेल के अंदर एंटर कर जाता है, तो दैट जू स्पोर क्विकली सिंक्स टू इट्स लोअर पार्ट एंड इंक्रीज इन साइज बाय फूड मटेरियल एब्जॉर्ब फ्रॉम द होस्ट सेल। होस्ट सेल से जो फूड मटेरियल होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, अपना अपने को नरिश करता है, न्यूट्रिशन लेता है। उसके बाद फिर उसकी साइज बढ़ जाती है, न्यूक्लियस की साइज बढ़ जाएगी और अपने चारों तरफ एक वॉल सिक्रेट करता है, और फर्दर ये अपनी साइज इंक्रीज करता है। एंड फाइनली इट बिकम्स पियर शेप, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ गोल्डन वॉल अलोंग ऑल साइड्स ऑफ इट। इसके चारों तरफ एक गोल्डन वॉल बन जाती है, पियर शेप्ड हो जाता है। इस कंडीशन को प्रोसोरस बोलते हैं। अब प्रोसोरस जो है वो फाइनली स्पोरेंजिया में कन्वर्ट हो जाता है, कि जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस डिवाइड करता है और करीब 200 से 300 डॉटर न्यूक्लियाई बन के तैयार हो जाती है, 200 टू 300 डॉटर न्यूक्लियाई। और ये डॉटर न्यूक्लियाई जो प्रोटोप्लास्ट होता है, प्रोटोप्लास्ट उसको हर डॉटर न्यूक्लियाई को सराउंड करता है, और हर न्यूक्लियस फिर एक जू स्पोर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें कि एक फ्लैजला अटैच होता है उसके पोस्टीरियर एंड पे। जू स्पोर यूनिफ्लैजलेट होता है और सिंगल फ्लैजला उस पे अटैच होता है। उसके बाद ये रिलीज होता है इस स्पोरेंजियम से जो है, जो स्पोर्स रिलीज होते हैं, रिलीज होने के बाद ये रीइंफेक्ट करते हैं होस्ट को, और इस तरह से इनकी असेक्सुअल साइकिल जो है बार बार वो इन्फेक्शन को रिपीट करती है या न्यू सेल्स को इन्फेक्ट करते चलती है। इस तरह से इन्फेक्शन की सीवियरिटी बढ़ती है, इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है। इस तरह से इसका असेक्सुअल फेज जो होता है, सेक्सुअल फेज ऑफ लाइफ साइकिल, वो कंप्लीट होती है सिंकेट्रियम एंडोबायोटिकल। अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे आपको बताया हमने कि जो जू स्पोर्स बनते हैं वो
एनवायरमेंटल कंडीशन पे डिसाइड करता है कि ये जूस्पोर की तरह फंक्शन करेगा या गैमेट की तरह फंक्शन करेगा। अगर फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन है तो जूस्पोर की तरह फंक्शन करता है और फिर से वो प्लांट को इन्फेक्ट करता है और असेक्सुअल मीन्स ऑफ जो लाइफ साइकिल होती है उसको रिपीट करता है। पर अगर एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल नहीं है और मॉइस्चर कम है, टेम्परेचर थोड़ा हाई है, तो उसके केस में जो जू स्पोर्स होते हैं वो गैमेट्स की तरह फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। ये स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम से जू स्पोर्स निकले और ये गैमेट्स की तरह फंक्शन कर रहे हैं। ये एक गैमेट है, दूसरा गैमेट है, ये दोनों गैमेट आपस में फ्यूज कर जाते हैं, प्लाज्मोगैमी होती है, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मा जो है वो फ्यूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमिक। प्लाज्मोगैमिक होने के बाद फिर उसमें कैरियोगैमी होती है, न्यूक्लियस फ्यूज करता है। न्यूक्लियस फ्यूज करने के बाद फिर जो है ये जाकर के होस्ट को इन्फेक्ट करता है, ये जाइगोट बनता है। इस तरह से जाइगोट बन के तैयार होगा, जाइगोट फिर से होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेगा। इन्फेक्ट करने के बाद उस होस्ट सेल में एंटर कर जाता है। होस्ट सेल में एंटर करने के बाद ये जाइगोट की तरह फंक्शन करना शुरू करता है और फाइनली ये एक रेस्टिंग स्पोरेंजियम बन जाता है। रेस्टिंग स्पोरेंजियम ये सेल के धीरे धीरे करके पेनिट्रेट करता जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है और इसके चारों तरफ वॉर्ट बनना शुरू हो जाता है। जो कॉलीफ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बनता है वो इसके चारों तरफ एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन, इसमें हाइपरप्लासिया और हाइपरट्रॉफी होती है सेल में, मतलब सेल ऑफ नंबर ऑफ सेल डिवीजन इंक्रीज करता है और सेल इन साइज इंक्रीज करती है, जिसके कारण वॉर्ट लाइक स्ट्रक्चर बनता है और उसी में ये रेस्ट करता है या रेस्टिंग स्टेज आती है इसकी। और जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है या हार्वेस्ट के बाद सॉइल में ये पड़ा रहेगा या वॉटी टिश्यू के साथ अटैच रहेगा और जब नेक्स्ट टाइम इसकी सोइंग होती है तो उस केस में ये जो है फिर से जर्मिनेट करना शुरू करते हैं। जर्मिनेशन का प्रोसेस सेम है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, हर न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट आ जाता है और हर न्यूक्लियस अलोंग विद प्रोटोप्लास्ट जूस्पोर की तरह फंक्शन करना शुरू कर देता है। उसमें एक पोस्टीरियर एंड पे एक फ्लैजेला अटैच हो जाता है और वो जूस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। फाइनली ये रिलीज हो जाएंगे, रिलीज होने के बाद फिर से ये जू स्पोर्स जो है इन्फेक्ट करते हैं, जो नई क्रॉप होती है उसको इन्फेक्ट करते हैं। हियर गैमिटेंजिया, जैसे आपको पहले ही मैंने बताया कि ड्राई कंडीशन में गैमिटेंजिया बनेंगे और आइसोगैमेट्स होते हैं। आइसोगैमेट्स दोनों गैमेट सेम होते हैं, गैमेट सेम होंगे, फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट फिर से जो है वो पर्टिकुलर होस्ट को इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्ट करने के बाद वो सेल के अंदर चला जाएगा जहाँ पे रेस्टिंग स्पोरेंजिया बनते हैं। प्लाज्मोगैमी होगी, कैरियोगैमी होगी, उसके बाद रेस्टिंग स्पोरेंजियम बनेगा या जाइगोट बनेगा। एंड जाइगोट जाइगोट इज बेसिकली डिप्लॉयड व्हिच इज मेड बाय फ्यूजन ऑफ द प्लैनोगैमेट्स एंड इज बाइफ्लैजेलेट। इट स्विम्स अबाउट इन अ फिल्म ऑफ वाटर इन द सॉइल, फाइनली इट कम्स टू रेस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द होस्ट एंड पेनिट्रेट्स द एपिडर्मल सेल इन मच द सेम वे एज हैप्लॉइड जूस्पोर्स। तो जाइगोट बेसिकली जो जो आइसोगैमेट्स हैं उनके फ्यूजन के बाद बनता है और चूंकि दोनों दो जूस्पोर फ्यूज करते हैं तो उसमें जाइगोट में दो फ्लैजला हो जाता है। थोड़ी दूर तो ये वाटर में स्विम करता है, उसके बाद फिर होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्ट करने के बाद सेल में पेनिट्रेट कर जाता है एपिडर्मल सेल में और फिर से ये जो है वहां पे जाकर जाइगोट बनाता है। जाइगोट इन द होस्ट द जाइगोट सिंक्स टू द बॉटम ऑफ द इन्फेक्टेड हाइपरट्रोफाइंग एपिडर्मल सेल ऑफ द होस्ट एंड ग्रोज इन साइज। इसके इन्फेक्शन के कारण हाइपरट्रॉफी का प्रोसेस शुरू हो जाता है और जो जाइगोट होता है वो
नीचे की तरफ बैठ जाता है, फूड मटेरियल लेगा, उसके बाद उसमें जो है वॉल बनती है, थिक वॉल बनती है, जैसा कि यहाँ पे रेस्टिंग स्पोरेंजियम, फॉर्मेशन ऑफ रेस्टिंग स्पोरेंजियम दैट इज जायगोट, द प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट इन द होस्ट कॉजेज हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लासिया ऑफ द सराउंडिंग सेल, दे आर स्टिमुलेटेड टू डिवाइड रिपीटेडली, कॉन्सिक्वेंटली द इन्फेक्टेड सेल इज सून बरी डीप इन द होस्ट टिश्यू एंड वॉट इज फॉर्म। तो जो इन्फेक्टेड सेल होती है वो अंदर की तरफ धंसती जाती है, वॉट फॉर्मेशन होता जाता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाएंगी, हाइपरट्रॉफी बढ़ती जाएगी, तो ये अंदर की तरफ धंसता चला जाता है। द डिप्लॉयड जाइगोट एनलार्जेस एंड इज एनक्लोज्ड इन अ थिक रेटिकुलेटली टू लेयर्ड वॉल टू बिकम अ रेस्टिंग स्पोरेंजियम, ऑल्सो कॉल्ड एज रेस्टिंग और वेंटर स्पोर। तो जो जाइगोट होता है थिक वॉल होता है, दो लेयर की थिक वॉल होती है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में इसको बचाए रखती है, कि डिफरेंट जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होते हैं उससे बचा के रखती है, और फेवरेबल कंडीशन जब आती है जर्मिनेट कर जाता है। व्हेनेवर द कंडीशंस आर कंडूसिव फॉर ग्रोथ द रेस्टिंग स्पोरेंजियम जर्मिनेट्स। प्रोसेस वही है जैसे पहले भी मैंने बताया कि जो न्यूक्लियस होता है, जो कि डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस मियोसिस में जाता है, मियोसिस होने के बाद चार सेल्स बनती हैं और फिर वो फर्दर डिवाइड करेंगी, बहुत सारे जू स्पोर्स बन के तैयार होंगे और वो जू स्पोर्स फाइनली जो है रिलीज हो जाते हैं और वो फिर से एक नए प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, दोनों फेजेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, असेक्सुअल और सेक्सुअल। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस इसलिए है कि पहले इसको बहुत ही सीरियस डिजीज माना जाता था कि पोटैटो क्रॉप को स्पॉयल कर देती है, क्योंकि जो विश्व की एक बड़ी बड़ी जनसंख्या है वो पोटैटो पे डिपेंडेंट है, तो बहुत ही सीरियस डिजीज मानी जाती थी। बट इसको अब बहुत सारी जो डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं पोटैटो की वो डेवलप कर ली गई हैं, अब ये उतनी ससेप्टेबल फंगस नहीं है, या जो पोटैटो जो है वो ससेप्टेबल क्रॉप नहीं रह गई है इसके लिए, तो इसको कंट्रोल किया गया है।